आज ग्लोबल आइकन बन चुके टॉम हैंक्स क्या नहीं थे सुपरहिट फिल्म के लिए पहली पसंद? किस बात का पछतावा है जॉन ट्रेवोल्टा को? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक। स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों 1994 में आई फिल्म फॉरेस्ट ग्रंप आज तक हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल की जाती है। फॉरेस्ट बने टॉम हैंक्स की तो दुनिया दीवानी है, पर क्या आप जानते हैं कि टॉम फिल्म के निर्देशक रॉबर्ट जेमकिंस की पहली पसंद नहीं थे? फॉरेस्ट गंप का रोल प्ले करने के लिए पहले बिल मरी, जॉन ट्रेवोल्टा और सेवी चेस को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। हालांकि जॉन ट्रेवोल्टा को मूवी के आने के बाद अपने लिए हुए उस डिसीजन का बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ था, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया था। गौरतलब है कि ये फिल्म इसी नाम से आई एक नॉवल पर आधारित थी, जिसमें फॉरेस्ट 6 फुट 6 इंच लंबा और लगभग 100 किलोग्राम वजन वाला था, और यही कारण है कि राइटर वेस्टिंग ग्रूम जॉन गुडमैन को इस रोल को प्ले करते हुए देखना चाहते थे। इसके अलावा निर्देशक रॉबर्ट फिल्म के अंदर एक स्टार पावर को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए इस कैरेक्टर के लिए टॉम हैंक्स को कास्ट किया गया। बब्बा का रोल प्ले करने के लिए पहले डेविड एलन, गिरियार आइस, क्यूब देव चेपल को भी कंसीडर किया जा रहा था, पर जो बिना पैसे वाला इस कैरेक्टर की एक डिसेबिलिटी होने वाली है, उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया। डेविड चेपल तो आज भी इस रोल को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पछताते हैं। और तो और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से फेमस लेट अमेरिकन रैपर टूपक शकूर ने भी बब्बा के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। अब बात अगर मेन फीमेल किरदार जेनी की बात करें तो उनके रोल के लिए जोडी फॉस्टर, निकोल किडमैन और डेमी मूर को ऑफर दिया गया था, लेकिन आखिरकार इस रोल को निभाया रॉबिन राइट ने। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इस फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं या इस फिल्म का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन, तो शायद आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जहां हमने आपको बताया था कि इस फिल्म को हिंदी में अडॉप्ट करके बनाया जा रहा है, जिसे आमिर खान मेन लीड में नजर आएंगे। जी हाँ, सही समझे, वो टॉम हैंक्स वाला किरदार अब आमिर निभाएंगे, जिसका नाम हिंदी में बदलकर लाल सिंह चड्ढा रख दिया गया है, जबकि उनकी प्रेमिका यानी जैनी के किरदार में करीना कपूर होंगी, जिनका नाम भी बदला जाएगा। वहीं बब्बा के किरदार के लिए नागा चैतन्य को कास्ट किया गया है। फिल्म से जुड़ी कई और खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस देखते रहिए। क्या लगता है आपको, क्या कोई विवाद होगा इस फिल्म से लेके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। दिस इज अनवि